subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम राजा देवी है. मैं अपने बच्चे से बहुत परेशानी थी, बहुत परेशान करता था. वो नशे पर उतर गया था और वो दारू उरू बीड़ी सिगरेट सब पीने खाने लगा था. सब लड़कों ने मिलके कबारी चुनता था, कबारे चुन के और वो क्या करता था, शाम को बेच के और वो सुलेशन खरीदता था. किसी की भी सर चोरी वोरी कर लेते थे सर पैसे. हम कहीं से भी सर कबाड़ा वबाड़ा बीन के सर मेरे दोस्तों लाते थे पैसे. अब बोलते थे चल नशा खरीदने और फिर सुलेशन लेके आते थे टायर पंचर की दुकान से. वहीं पे हमको उसी से हम सुलेशन पीते थे. दलोपुरा के माहौल ही ऐसे है कि थोड़ा गर्जियन ढीले पर जाते हैं और गर्जियन अपने बच्चे को शासन नहीं देते. उस माहौल में मेरा लड़का ने पढ़के बहल गया था. सब एक लू मरिया 10 साल 12 साल मेन गुरु यही था. उसमें मेरे बच्चे के मुझे बहुत टेंशन रहती थी क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे आदमी नहीं थे. इसलिए मैं अपने बच्चे के टेंशन में रात भर ढूंढती फिरती थी. तो फिर मेरी एक दलोपुरा में अनीता नाम की रहती है लेडीज, वो ना मेरे से शुरू से मैं बहन के नाते थी हमारी उनकी. फिर मैंने उनको बोला कि दीदी ऐसे ऐसे बात है कि बहुत परेशान हूँ मैं लड़के से, मेरे लड़के ने कहीं रखवा दो थी मैं क्या बोलते हैं उसमें हॉस्टल में. तो उन्होंने बोली कि ठीक है मैं सर से बात करके बताती हूँ. फिर मैंने फेस वन आए तो वहाँ मैंने बात की है तो सर बोले कि ठीक है तुम्हारे लड़के के मैं नशा मुक्ति केंद्र में रखवा देता हूँ और तुम्हारे लड़का वहाँ बहुत अच्छे हो जाएंगे. फिर मैंने वहाँ से लेके आई यहाँ. उस दिन तो रखने की उम्मीद नहीं थी हम लोगों के, दूसरे दिन की टाइम दिया गया था फेस वन में. लेकिन यहाँ आने के बाद ने सर बोले कि आज ही अपने लड़के छोड़ के जाओ. मेरी माँ बोली थी चलो के लिए घूमने के लिए, तो मेरी माँ यहाँ पर लेके आई थी नशा मुक्ति सेंटर में SBI में. फिर छोड़ते समय तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बच्चे की बहुत अपने ज़िंदगी से दूर कर दिए क्योंकि अब मिल नहीं पाएंगे बच्चे से, या मैं बहुत दूर रख दिए. मेरा इतना कलेजा वो हुआ कि मैं बच्चे की किस दुनिया में छोड़ के आए और कैसे रहेंगे. जब मैं बाहर था तो मैं नशा करता था, नशे की हालत में मैं बिल्कुल बेकार हो गया था. मैं ये सोचता था मैं नशा कैसे छोड़ूं. लेकिन एक ऐसी मजबूरी हो गई थी कि मेरे अपने दिल को कठोर करना पड़ा अपने बच्चे को, तो मैं यहाँ छोड़ गई और छोड़ के चली गई घर. घर जाने के बाद तो मैं 2 दिन खुद अपने आप को मैं पकड़ नहीं पाया. इस यहाँ पे हमको सब कुछ बढ़िया से देते थे, रखते थे, यहाँ पे खिलाते पिलाते भी बढ़िया से थे. सर ने बोले कि 2 दिन पर मिलने आना, तो मैं 15 दिन बाद में मिलने आई अपने बच्चे से. तो मेरे बच्चे पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आई थी, बहुत बढ़िया से बातें किया, चीते किया बहुत अच्छे से, प्रेम से बोला मम्मी मैं ठीक हूँ, मम्मी बहुत अच्छा हूँ, मुझे ना उस अंदर से निकाल के ले आई. तो मैं बहुत खुश हूँ मम्मी कि मैं तो अभी यहीं रहूँगा, अभी नहीं जाऊँगा. बच्चे के पिता नहीं है, बच्चे अपनी माँ के साथ रहता है. जो कि ये बच्चा जब मेरे पास आया था इस स्थिति में आया था कि ये इस बच्चे को कुछ होश नहीं था. धीरे धीरे करके काउंसलिंग कर करके 1.5-2 महीने बाद फिर ये अपने आप को सेटअप किया. उसके बाद मैंने 2 हफ्ते मिलने लगे बच्चे से, फ़ोन भी करने लगे. मैं दिल्ली गेट आई थी, दरियागंज में पड़ता है वो, और नशा मुक्ति केंद्र बोलता है उसको, वहाँ थे मेरे बच्चे, वहाँ मैंने रखा था अपने लड़के को. फिर 13 तारीख को यहाँ से फ़ोन गया कि तुम आके अपनी गुलशन के टाइम पूरा हो गया, तुम ले जा सकते हो. जब लेने के लिए मैं आई थी अपने लड़के को तो मेरा बाऊ बहुत खुश था, कह रहा था मम्मी मैं तो अब कुछ ऐसा नहीं करूँगा, मुझे तो या तो मामा के साथ भेज दो या तो मुझे कहीं नौकरी कर लगाने कर दो. तो उसकी मामा ने बोला कि अभी नौकरी नहीं करेगा, अभी वो हॉस्टल में जाएगा क्योंकि बहुत सुधार आ गया, बहुत खुश है. मैं भी बहुत खुश हूँ अपने बच्चे से, बहुत ज़्यादा. अब मैं यहाँ से सुधर के गया हूँ. मैं बाहर जाके मैं वही करता था जो सेंटर में करता था. यहाँ पे बदमाशी भी करता था पर उतना नहीं, हाँ घर पर भी उतना नहीं करता मैं अब में, क्योंकि मेरे को मेरी लाइफ बनानी है और कुछ नहीं. सब मिल के प्यार करते हैं, अब तो बहुत अच्छे से रहता है. अब दोनों बहन भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, भाई भी बहुत प्यार करते हैं. और ये कहता है मम्मी तुम पांचों से मिलके मैं बहुत खुश हूँ, अब तो हम अपने बच्चे हम अपने परिवार में ही खुश हूँ मम्मी, अब मुझे पढ़ा दे बस. मैं पढ़ाई भी करता हूँ और रात में कुछ ऐसे ही खेलता रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही बैठ के कुछ भी करता रहता हूँ.
शाम को जैसे आग जला के तापते हैं तो उसको अब हॉस्टल भेजना है। मैं अभी बात कर रही हूँ सर से, सर बोले हैं कि ठीक है 10 से 15 दिन के अंदर में मैं गुलशन के हॉस्टल में रखवा दूँगा। आज ये बच्चा अपने उस फॉलोअप में आया तो इस बच्चे को देख के कोई बता नहीं सकता कि ये बच्चा इतना चेंज हो सकता है। और तो और यहाँ की एक्टिविटी बच्चे और बच्चे की मदर से पता चला कि वो घर में भी सेम वही एक्टिविटी करता है। सुबह 6 बजे उठ जाता है ये बच्चा, प्रार्थना करके फिर मम्मी का पैर छू के फिर काम करता है, घर के ही काम करता है। आपको तो पता ही है एक माँ के ख्वाहिश यही होती है कि बच्चे आगे पढ़ के लिख के अपने पैर पर हो के अपने अच्छे से रहे, क्योंकि उसके बाप के छाया नहीं है तो अपना पढ़ लिख के आगे मुझे अपने बाप की तरक्की करे कि हाँ हमारे पापा नहीं है तो हम कुछ करके दिखाए गांव वाले के या मम्मी को कि चल मम्मी ने तुमने इतना मेहनत किया हमारे लिए, मैंने ये करके दिखाया। सारे बच्चे को यही करना चाहिए कि अपना सारा अपना अथी करके छोड़ के अपने दुनिया में आए, अपने माँ बाप को देखें और अपने मतलब कि नशा फसा ना करे, चाहे कोई ऐसा काम ना करे कि लोग दुनिया उन्हें हंसे और लोग दुनिया कुछ कहे। तुम लोग भी यहाँ रहो और बहुत अच्छे बन के निकलो, क्योंकि तुम लोग की ज़िंदगी में ही है, अच्छे बनोगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।